पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम आज के लेक्चर में किसको डिस्कस कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे पहला एग्जांपल कंजर्वेटिव का ग्रेविटी मन में आता है और बेस्ट एग्जांपल है, हमें ग्रेविटी समझ में भी आती है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, डेफिनेशन कहती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। ये बॉक्स में डाल लिया, ये डेफिनेशन है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अब ये बात समझने के लिए लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, ये नेगेटिव साइन नहीं समझ में आ रहा, ये तो समझ में आ रहा है कि जो मैंने वर्क डन किया वो इसके अंदर बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो गया, पर नेगेटिव साइन नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है। ठीक है यहाँ तक? तो मैं वापस अपने एग्जाम्पल पर चलता हूँ और एग्जाम्पल से समझाता हूँ और फिर एक बार बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। कैसे? सपोज करो ये ग्राउंड है, ग्राउंड है तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक हो गया यहाँ तक? पहला केस मैंने वर्क डन किया, पहला केस मैंने वर्क डन किया, जब मैंने वर्क डन किया तो फोर्स कहाँ लगी? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? ऊपर। तो मेरा वर्क डन बोलो कितना है? एम जी। अब ये वर्क डन मैंने किया, क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आप ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ग्रेविटी ये कहती है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज़ीरो। ठीक है, ग्रेविटी ये कहती है कि जब आप यहाँ पे आ गए अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस एम जी एच, क्योंकि ग्रेविटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, एनर्जी क्या होगी? माइनस एम जी एच। ठीक है यहाँ तक? क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो कई लोग ये पूछ लेते हैं, सर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ये तो हमने आज तक की नहीं, हमने कब किया? हमने कहा एम जी एच। हम एक्चुअल में वर्क डन्स कैलकुलेट करते हैं, हम जितने भी आप न्यूमेरिकल करके आए हो ना आज तक, वो वर्क डन्स के साथ कैलकुलेशन हुई है, वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ हुई नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही होती है। आपको कहे ये कैसे एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है? देखो ऐसे, अगर ये ग्राउंड है, सिर्फ एक चीज़ का आंसर दे देना, अगर मैं ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से दूर लेके जा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी कि कम होगी? ऊपर लेके जा रहा हूँ, बढ़ेगी, जितना हाइट ज़्यादा होगा एनर्जी बढ़ेगी, मानते हो? ओके। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ले लूँ, एम जी एच पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ पर एनर्जी क्या है? ज़ीरो। एम जी एच की वैल्यू यहाँ पर एच बढ़ रहा है ना, एच बढ़ रहा है, तो एच बढ़ रहा है तो यहाँ पर एनर्जी कितनी है? मान लो एच बढ़ रहा है तो कितनी है? 10, है ना, ऐसी होगा ना। और यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू कितनी है? मान लो कितनी? 15, है ना, बढ़ती जा रही है, ऐसे ही करते हैं हम। और हम भी यही करते हैं कि एच की वैल्यू बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, राइट? अच्छा, मैं चलता जा रहा हूँ, मेरी एम जी एच की वैल्यू बढ़ती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत ऊपर चला गया इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मालूम? इनफाइनाइट नहीं होती, ज़ीरो होती है। ये आएगा अभी, बहुत ऊपर जाके ग्रेविटी ख़त्म होगी, जब तुम इंटर स्पेस में चले जाओगे तो ग्रेविटी है कहाँ, खींच कौन रहा है, तो वर्क डन कहाँ से लाओगे? मान लो तुम ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर गए, तो मान लो ग्रेविटेशनल पुल यही ख़त्म हुआ था, ये अर्थ पे बैठे हो आप, ये ख़त्म हो गया, ये लो ये ऑब्जेक्ट पड़ा मैंने उठा के यहाँ रख दिया, अर्थ क्या कर लेगी मेरा? कुछ भी नहीं, अर्थ खींच नहीं रही, तो वर्क डन अगेंस्ट क्या होता है? अर्थ। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी काम ही नहीं कर रही, तो मेरा वर्क डन क्या है? मेरे को तो हाथ ही लगाने, अपने भागता जाएगा ऑब्जेक्ट, तो वर्क डन क्यों करूँगा? अपने आप उड़ता जाएगा, तो वर्क डन वहाँ पर एनर्जी नहीं होती, एनर्जी क्या होती है? ज़ीरो। अब अगर आप ये फॉर्मूले लगाने शुरू हो जाओगे तो इन्फिनिटी में एनर्जी ज़ीरो आएगी नहीं, वो ठीक तो कह रहे हैं, इन्फिनिटी में एनर्जी क्या आ जाएगी? इन्फिनिट आ जाएगी, तो बात ही नहीं बनेगी यहाँ से। तो मैं आपको आज थोड़ी देर में ये बताऊंगा कि एनर्जी नेगेटिव से ये चीज़ सॉल्व होती है, वो कैसे होती है थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इजी लैंग्वेज में पहले इस टॉपिक को ख़त्म कर दूं। वो ये कि जब मैंने वर्क डन किया था तो मेरा वर्क डन क्या आया था? एम जी एच, डन। और जब ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हुई तो इनिशियल एनर्जी क्या थी? ज़ीरो। ग्रेविटी का पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस एम जी एच, राइट? और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यू एफ माइनस यू आई।
तो डेल्टा यू क्या होगा, माइनस एम जी एच माइनस जीरो इज माइनस एम जी एच, कोई डाउट इसमें? तो डेल्टा यू क्या आ गया, माइनस एम जी एच, मेरा वर्क डन क्या था, प्लस एम जी एच, तो ठीक तो कह रहे हैं, डेल्टा यू और मेरे वर्क डन में नेगेटिव का फर्क तो रहेगा ही रहेगा, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ग्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर में नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो पॉइंट समझ में आया, तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो क्या डेफिनेशन है, कि डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो वर्क डन नहीं होती, वो एक्चुअल में माइनस ऑफ वर्क डन होती है। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है? ठीक, डेफिनेशन क्लियर हो गई, एग्जाम्पल के साथ समझाया मैंने। अच्छा, जो वर्क, इसको छोड़ दो, ये नहीं कुछ करना, जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, एफ इंटू डी एक्स या एफ इंटू एक्स। पर ये जरूरी थोड़ी ना कि वर्क डन हमेशा, वर्क डन में फोर्स हमेशा कॉन्स्टेंट होगी, फोर्स वेरिएबल भी तो हो सकती है। अगर फोर्स वेरिएबल है तो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वेरिएबल फोर्स में वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका क्या था, एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन। याद करो कि जो वर्क डन की कैलकुलेशन होती है, जो वर्क डन होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वेरिएबल फोर्स में, एफ डी एक्स, ऐसे करते थे, यही तरीका था, सिखाया था मैंने। ठीक, और वेरिएबल फोर्स का पता कैसे लगता है, वेरिएबल फोर्स जैसे जैसे मान लो 10 न्यूटन इज नॉट अ वेरिएबल फोर्स, इट्स अ कांस्टेंट फोर्स, लेकिन अगर मैं 10 एक्स कर दूं इट इज अ वेरिएबल फोर्स, एक्स के साथ फोर्स चेंज हो रही है। और फिजिक्स या मैथ्स में जब फोर्स जैसे एक्स पे डिपेंडेंट है तो एफ के ब्रैकेट में लिख लिया जाता है एक्स, इसको मैथ्स में बोलते हैं एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब एफ के फॉर्मूले में एक्स के ऊपर डिपेंडेंसी है एफ की, तो एफ यानी कि एक्स पे डिपेंडेंट है, इसको ऐसे लिखा जाता है। आप नहीं भी लिखोगे एफ लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन जब आप एफ ऑफ एक्स लिखते हो इसका मतलब ये फोर्स किस पे डिपेंडेंट है, एक्स पे है। तो अगर मैं अकेला ये लिख देता हूँ एफ ब्रैकेट में एक्स, इसका मतलब इट इज अ वेरिएबल फोर्स, साफ पता लग रहा है, क्योंकि एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। तो आप चेक करो, अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन है, तो एफ डी एक्स की इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो डेल्टा यू क्या है, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, आप वर्क डन की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। पर ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत क्या है, क्योंकि वर्क डन आप कैलकुलेट कर ही लेंगे और डेल्टा यू माइनस ऑफ वर्क डन है, तो ये फॉर्मूला याद करने की मेरे को तो जरूरत लगती नहीं है, ये फॉर्मूला जरूर याद कर लें। काम कहाँ आएगा, एज सच काम नहीं आएगा, किसी ऑब्जेक्टिव में देखेंगे जहाँ काम आएगा, अदरवाइज एनसीईआरटी में काम आता नहीं है जल्दी जल्दी। बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, पॉइंट यहाँ पर है जब आप किताब पढ़ेंगे ना, ये लैंग्वेज आपको टफ लगेगी। अब देखो ना ये लैंग्वेज कितनी, किस तरीके, आप एग्जाम्पल तो दे नहीं रहा, वो तो जर्नलाइज बात कर रहा है, तो जर्नलाइज बात समझनी आपके लिए मुश्किल हो जाती है, लेकिन ग्रेविटी के एग्जाम्पल के साथ समझना बड़ा आसान है। तो आपको पहला स्टेप समझ में आता है, आपको ये समझ, ये छोड़ो, वर्क डन कैलकुलेट करना आता है, इस वर्क डन को यहाँ पुट करके ये फॉर्मूला भी आता है, बस और कुछ नहीं चाहिए, लिखवा के आपसे कोई स्कूल में देखेगा नहीं, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक हो गया ये पॉइंट, नेक्स्ट है। तो इसके अंदर डेल्टा यू माइनस ऑफ वर्क डन, ये समझ में आता है, सेम ही स्टेप लिखा मैंने, सेम ये सेम लिखा मैंने, ये रहा सेम है। अगला स्टेप जरूरी नहीं है समझना, आ जाए एक आइडिया होना चाहिए, आपसे को लिखवा के देख नहीं रहा, क्या जरूरी है वो एंड में बताता हूं। ये इंटीग्रेशन जो होती है वो डिफ्रेंसिएशन के उल्टा होता है ना, डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे को उल्टा काम होता है। तो अगर मैं इस इंटीग्रेशन को राइट साइड पे ले जाऊं मैथ्स में, मैथ्स में ऐसे होता है, तो इंटीग्रेशन जो राइट साइड पे जाती है ना तो डिफ्रेंसिएशन बन जाती है। ये देखो इंटीग्रेशन हट गई, माइनस एफ डी एफ एक्स बच गया और यहाँ पर क्या बन गया, डिफ्रेंसिएशन में कन्वर्ट हो गई। ये मैथ्स का रूल है, नहीं समझ में आया चाहिए नहीं मुझे, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ ये चाहिए एफ ऑफ एक्स इधर ले आओ माइनस एफ, ये चाहिए बस, ये इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करें। ये फॉर्मूला बना कहाँ से, बना यहीं से है, ये फॉर्मूला फॉर्मूला काम आएगा, ये कैसे बना नहीं काम आएगा, पर मैंने आपको ऐसे बता दिया ये कैसे बना। तो f की वैल्यू माइनस du बाई डी एक्स की फॉर्मूला याद रखें, और ये फॉर्मूला वैलिड सिर्फ उस केस में है जब ये फोर्स क्या होगी, कंजर्वेटिव। ये पूरा टॉपिक ही कंजर्वेटिव के लिए, अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो ये फॉर्मूलाज काम नहीं आएंगे, और कंजर्वेटिव का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ग्रेविटी। तो ये फॉर्मूला प्लीज याद रखें, f इज इक्वल टू माइनस du बाई डी एक्स, कैसे काम आएगा ये समझें। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया जिसमें ये बोला कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, मैं आपको दे रहा हूँ एम जी एच, मैंने कहा कि मेरे पास एक 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 कंजर्वेटिव फोर्स है, मैंने ये कहा मेरे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है
जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इसके इक्वल है, आप मुझे उस कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू बताओ क्या होगी एनर्जी को देखते हुए। तो आप ऐसा करें, किसी भी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, यहां पर एक्स नहीं, यहां पर डिस्टेंस क्या है एच, तो क्या आएगा डी एक्स की जगह डी एच। तो लगा लिया फॉर्मूला, कंजर्वेटिव के लिए अलाउड है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एच ऑफ यू, यू किसके इक्वल है एम जी एच, यहां से एम और जी सब कॉमन आ गया माइनस, तो क्या बचा डी एच बाई डी एच जो कि वन है, तो आंसर क्या आएगा माइनस एम जी, आ गया ना ग्रेविटी की फोर्स माइनस एम जी, तो सही है ना। एनर्जी दोगे तो फोर्स कैलकुलेट हो जाएगी, कैसे डिफ्रेंसिएशन से, तो सही फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है समझ में आ रहा है। अब आपको यू कुछ भी देगा कंजर्वेटिव में और फोर्स पूछ लेगा, आप डिफ्रेंशिएट कर देना आंसर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा क्लियर है। यहां पर ये फॉर्मूला था ना इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू क्या है डीएक्स, मैथ्स में प्लस टू में सिखाएंगे जब इंटीग्रेशन यहां जाती है डिफ्रेंसिएशन तो ये डीएक्स नीचे आ जाता है ऐसे आते है। वो तो फंक्शन ऑफ एक्स है, यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब यू एनर्जी जो है एक्स पे डिपेंडेंट है, ये कह रहा हूं मत लिखो ऐसे चाहे कोई चक्कर नहीं है, जैसे ऐसा है ना एफ भी फंक्शन ऑफ एक्स है यू भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ये बता रहा हूं मैं तुम्हें, यू भी एक्स डिपेंडेंट है एफ भी एक्स डिपेंडेंट है ये बता रहा हूं, तो नहीं लिखो आप ऐसे लिख लो तो भी चलेगा इट्स ओके, क्योंकि क्वेश्चन देने वाला आपको यू तो एक्स की फॉर्म में देगा ही, एफ भी एक्स की फॉर्म में आना होगा आ जाएगा, नहीं तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा, मत लिखो चाहे कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अंदर एक स्टेटमेंट सुन लो, एक स्टेटमेंट सुन लो क्या कि कंजर्वेटिव फोर्स, ये फोर्स क्या है कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव क्या ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद है यूनिट्स एंड डायमेंशन में एक टर्म यूज की थी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब डिनोमिनेटर में डिस्टेंस, तो एक्चुअल में जब जैसे एनर्जी ग्रेडियंट है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस करोगे, इसको बोलते हैं एनर्जी ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट। तो वो ठीक बोल रहे हैं ना क्या कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट, तो ये टर्म यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको किताबें पढ़नी आनी चाहिए कि वो जब बोलेगा कि कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ एनर्जी का ग्रेडियंट, तो आप ये ना देखेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला समझ में आ गया। आपको किताबी बातें भी साथ साथ समझा रहा हूं ताकि आपको एटलीस्ट जब बुक ओपन करें आपको समझ में आए कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक।